Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. So in today's video I'll be sharing with you guys my entire glow up session या glow up routine कह सकते हो. So मैं अभी trip पे जाने वाली हूँ, ये तो मैंने हर एक video में डिंडोरा पीट चुकी हूँ. So I think कल या परसों तक मैं trip पे चली जाऊँगी. So मैंने सोचा है कि you know पार्लर में जाना इतना खर्चा करने से अच्छा है कि हम सारी चीज़ें जो हम पार्लर जाके कराते हैं वो हम घर पे भी कर सकते हैं. और मैं हमेशा से 2-3 साल से पार्लर्स नहीं जाती हूँ, मैं सब चीज़ें अपने आप ही घर पे कर लेती हूँ, जैसे कि क्लीनअप, वैक्सिंग हो गया या फिर शेविंग हो गया, फेस शेविंग, बॉडी शेविंग, क्लीनअप, ब्लैक हेड्स निकालना, स्क्रबिंग एंड बालों के लिए हेयर केयर, स्पा वगैरह सब कुछ मैं घर पे ही करती हूँ. सो मैं एंटायरली आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कैसे करती हूँ और आप लोग कैसे कर सकते हो. ये सब आप शादी सीजन के लिए भी कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत सारी वेडिंग्स आने वाली है तो ये सारी चीज़ें आपको भी ज़रूरत होगी. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप जानना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आप घर पे कैसे आसानी से कर सकते हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं बालों की तरफ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये एवोकाडो हेयर मास्क. ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, ये आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और आप बाहर जाके जो फैंसी से हेयर स्पास कराते हो ये वही का वही फील आपको देगा और आपके बालों को एक साथ बहुत ही अच्छे से स्मूथ बना देगा. सो मैं इसको एंटायर बालों पर अच्छे से लगा रही हूँ, कोट कर रही हूँ और आपको रूट्स तक भी लगाना है, टॉप से लेके रूट्स तक बिल्कुल कोई भी जो हिस्सा है उसको स्किप नहीं करना है. और आपको मेक श्योर करना है कि आपके बाल के हर एक स्ट्रैंड पे यू नो मास्क का लगना ज़रूरी है एंड आपको इसे 1 आवर तक रखना है और उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो. सो इसको मैं सब कुछ अच्छे से लगा चुकी हूँ एंड जब तक ये सूख नहीं जाता हमारे पास 1 आवर का टाइम है. सो इसी 1 आवर के टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये उपटन फेस वॉश. सो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले क्लीन फेस के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं करंटली यही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है एवरीडे के लिए भी एंड मैं अपने पूरे फेस को यू नो अच्छे से क्लेंस कर रही हूँ. ये उपटन जैसा ग्लो भी आपको प्रोवाइड करता है एंड आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है. और सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग की, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एम के फेन का ये कॉफ़ी स्क्रब. सो ये स्क्रब बहुत ही जेंटल है, इसे आप एवरी ऑल्टरनेट डे पर भी कर सकते हो अपने यू नो अंदर के अंदर के डर्ट को निकालने के लिए बेसिकली. सो ये भी बहुत अच्छा स्क्रब है. तो स्क्रबिंग को आपको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है अपने पूरे फेस पे ताकि जितना भी डर्ट है, गंक है आपके फेस के अंदर का वो अच्छे से निकल जाए. एंड या दैट्स इट, इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ फेस शेविंग. उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ एक एलोवेरा जेल. आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हो और आपको अपने पूरे फेस पे एलोवेरा जेल का एक थिक कोट लगाना है. आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है. सो इससे क्या होता है कि आपके फेस पे कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे फेस शेव करते वक्त. और उसके बाद आपको लेना है एक रेज़र, कोई सा भी रेज़र ले सकते हो, ये टिंकल का रेज़र है, लोकल मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे. एंड आपको नीचे की डायरेक्शन में अपने बालों को निकालना है और जेंटली निकालना है. आप देख सकते हो अच्छे खासे बाल निकल जाते हैं इससे. सो इससे मैं अपने पूरे फेस की शेविंग अच्छे से कर लेती हूँ. सो फेस शेविंग से ये होता है कि आपका फेस पहले से ज़्यादा क्लीन दिखता है और सॉफ्ट हो जाता है और अगर आप उसके ऊपर मेकअप भी करते हो तो वो आराम से स्प्रेड हो जाता है. वाइल जब बाल होते हैं आपके फेस पे तो यू नो मेकअप करना, कोई भी फाउंडेशन एंड ऑल को स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है. मैं इसी से अपने आईब्रो के बालों को भी आसानी से निकाल लेती हूँ एंड उसके लिए मैं बाहर वगैरह नहीं जाती एंड थ्रेडिंग भी नहीं कराती. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस मास्क और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनिसफ्री का ये पोर क्ले मास्क. सो इट्स अ क्ले मास्क और क्ले मास्क बेसिकली आपके पोर्स को अंदर से क्लीन करता है
एंड मैं अभी एक डीप क्लीनिंग चाहती थी ग्लो एंड ऑल से ज़्यादा, तो इसीलिए मैं डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ और इसको भी आपको 15 मिनट तक लगा के रखना है। एंड ये आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा लगाने के बाद, बट इट्स ओके, मतलब बहुत सारे फेस पैक्स में ऐसा होता है। एंड ये भी मैंने निकाल लिया है 15 मिनट के बाद। एंड अब मैं निकाल रही हूँ अपने ब्लैक हेड्स, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिप हॉप के नोज स्ट्रिप्स। ये ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स आते हैं, अमेजोन से आपको ईजिली मिल जाएगा। सो आपको अपना जो नोज एरिया है उसको पहले वेट करना है एंड इस तरीके से एक स्ट्रैप निकलेगा। सो आपको इसे, इसमें आई थिंक गम चिपका हुआ रहता है, कोई तो स्टिकर रहता है, उसको आपको अपने नोज पे चिपकाना है और 10 मिनट तक इसे रखना है। एंड इसके बाद आपको एकदम अच्छे से पुल करना है ताकि जो जितने भी आपके ब्लैक हेड्स है वो निकल जाए। वैसे मेरे तो ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं नहीं, तो इसलिए जो थोड़े बहुत है वो आसानी से निकल जाते हैं। ये भी आप वीकली वंस या फिर मंथली वंस या फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो। एंड या मैंने वो निकाल, वो भी 10 मिनट रखना है, तो तब तक मैंने सोचा थोड़ी सी लिप केयर भी की जाए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये लिप केयर किट। सो ये बहुत ही अच्छा लिप केयर किट है, इसमें आपको लिप स्क्रब और लिप मास्क दोनों मिल जाता है। आपको इन दोनों को एक साथ करना है। थोड़ा सा लिप स्क्रब लेके एक फिंगर की हेल्प से आपको लिप्स को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करना है और इसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। एंड जो ये मॉइस्चराइज करता है ना आपके लिप्स को, जो भी आपका डेड स्किन है वो सब कुछ ये निकाल देता है। एंड इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने एंड आई एम बैक फ्रॉम माय शावर। एंड मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था नहाने के बाद। एंड मैंने अपने जो शेविंग वगैरह है वो कर लिया था बाथरूम में ही, सो इसलिए। एंड आपको शेविंग वगैरह करने के बाद अच्छे से आपको अपने आप को मॉइस्चराइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया का ये मॉइस्चराइज़र और अपने पूरे बॉडी को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। एंड अपने स्किन केयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का ये सैलिसिलिक एसिड, 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस सीरम। ये बहुत ही लाइट वेट कंसिस्टेंसी का है एंड ये बिल्कुल आपके स्किन को सॉफ्ट बना देता है एंड वो एक ग्लो प्रोवाइड करता है पूरे दिन के लिए। सो आई रियली लाइक यूजिंग दिस सीरम इन माई डे टू डे रूटीन। एंड लास्ट में आई एम गोना टॉप इट अप यूजिंग अ लिप बाम। मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का कैंडी मेल्स लिप बाम। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 गुड मॉइस्चराइजिंग लिप बाम। ये काफ़ी देर तक आपके लिप्स पे रहता है, थोड़ा सा टिंट भी छोड़ देता है। उसके बाद बारी आती है हेयर मेकओवर की। सो आप अभी मेरे बाल की लेंथ देख सकते हो, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी एंड आई बैडली वॉन्टेड अ मेकओवर। सो हियर इट इज़। सो मैंने ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कराया है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं किए हैं, बट या समथिंग इज़ डिफरेंट एंड आई रियली लाइक्ड इट। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले, हैंडल स्क्रीन पे होंगे और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज। बाय बाय।